जी अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो लॉग है हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स अदर देन बीटा थैलेसीमिया। इसमें टॉप ऑफ द लाइन सिकल सेल डिजीज़ है। सिकल सेल डिजीज़ में बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड ऑन द पोजीशन नंबर 6 पे इज़ चेंज्ड विद वेलिन। ये एक और अमीनो एसिड है, ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं। इससे जो बनेगी प्रोफाइल वो इसकी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफिसिस में, अगर तो एक जीन के अंदर वेरिएशन है, ये म्यूटेशन है, तो वो हेट्रोजाइगस सिकल सेल डिजीज़ या उसका ट्रेट बनेगा, और अगर दोनों चेन्स के अंदर है तो होमोजाइगस सिकल सेल डिजीज़ या सिकल सेल डिजीज़ सिंपली उसको कहते हैं। इसमें डिफेक्ट ये है कि अपॉन हाइपोक्सिया, यानी कि ऐसी जगह पे बॉडी के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन कम होती है, स्पेशली इन कैपिलरीज, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी शेप चेंज करके लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स की शक्ल में बन जाती है, फाइब्रल टाइप की चीज़ बन जाएगी, और जो सेल होता है वो नॉर्मल अपनी गोल कंटूर को छोड़ के लंबा हो जाता है, तो उसकी शक्ल समवट सिकल दरांती जिसको कहते हैं, या दातरी पंजाबी में कहते हैं, जैसे फसलें में चारा वगैरह इस तरह की चीज़ें काटते हैं। देहात में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, वो इसकी शक्ल बन जाती है सेल की, तो इसलिए इसको सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। और इसकी कमी की वजह से जो एनीमिया होगा वो सिकल सेल एनीमिया होगा। टिपिकली दिस इज़ नॉट ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया, ये सिर्फ उसी जगह पे होगा जहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन कम होगी। तो उससे ये होता है कि जो आपकी पेरिफ्रीज हैं, स्पेशली जो लोअर लिम्ब की पेरिफ्रीज हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन सबसे कम होती है, वहाँ पे नेक्रोसिस, स्किन नेक्रोसिस, इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। इसके अलावा इसका एक और जो कॉम्प्लिकेशन है वो होती है स्प्लीनेक्टमी, ऑटो स्प्लीनेक्टमी, यानी कि पेशेंट की जो स्प्लीन है उसमें थ्रोम्बोसिस और नेक्रोसिस होके स्प्लीन का साइज़ छोटा हो जाता है। और इन सीवियर केसेस इसमें ट्रांसफ्यूजन देनी भी पड़ सकती हैं, लेकिन टिपिकली पेशेंट की हीमोग्लोबिन 6 से 7 के दरमियान रहती है, और से हेट्रोजाइगस में पेशेंट की हीमोग्लोबिन 10-11 के करीब करीब रहती है। क्रोनिक हीमोलिटिक स्टेट है, पेशेंट की आँखें पीली रहेंगी, और उसको गाल स्टोन्स भी बन सकते हैं, और उसके बाद इस तरह की उसकी एक होमोजेनस किस्म की, हेट्रोजेनस किस्म की उसकी अपीयरेंस हो सकती है। इसमें जो पैटर्न बनता है वो वेरिंग, जो ट्रेट है उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न में वेरिंग डिग्री ऑफ सिकल सेल डिजीज़ होगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन होगी, सिकल हीमोग्लोबिन होगी, HBS कहते हैं उसको, वो 15-20-22% से लेके 25-30-50% तक जा सकती है। और सिकल सेल जो डिजीज़ है होमोजाइगस, उसमें टोटल हीमोग्लोबिन इज़ रिप्लेस्ड विद सिकल सेल, थोड़ी बहुत हीमोग्लोबिन F और थोड़ी बहुत हीमोग्लोबिन A भी उसके अंदर हो जाएगी। उसके बाद आ जाएं जो दूसरी मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो पाकिस्तान और इंडिया में। अच्छा, सिकल सेल डिजीज़ के बारे में एक बात मैं बतानी भूल गया, ये अगर यहाँ से पंजाब से साउदर्न पंजाब की तरफ जाएं, पाकिस्तानी साउदर्न पंजाब, उधर से दूसरी तरफ KPK में चले जाएं, और KPK से अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं, तो इन एरियाज़ में सिकल सेल डिजीज़ ज़्यादा है। जबकि अगली जो डिज़ीज़ जिसका मैं नाम लेने लगा हूँ वो है हीमोग्लोबिन डी पंजाब। हीमोग्लोबिन का नाम है, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड के जो पंजाब हैं उनमें कॉमन है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम इसका होगा प्रेवलेंस, बहुत कम केसेस इसके देखने में आते हैं, और ये एक बहुत ही माइल्ड डिज़ीज़ है। यह थैलेसीमिया इंटरमीडिया से भी माइल्ड है। बाज़ का पेशेंट को 70-80 साल की एज में जाके पता चलता है कि मुझे तो हीमोग्लोबिन डी पंजाब थी। प्रेजेंटेशन में सिर्फ छोटा मोटा एनीमिया होता है, और वो भी 8-10 तक हीमोग्लोबिन रहती है, और अगर इसका हेट्रोजाइगस हो, यानी कि ट्रेट हो, तो उसमें तो ये भी नहीं होता, 11-12-13 तक हीमोग्लोबिन रहती है, पेशेंट को पता नहीं चलता उसका।
एक एक्सपर्ट हेमाटोलॉजिस्ट जब उस पेशेंट का सीबीसी देखेगा तो उस पे वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देख के वो कहेगा कि इसका बंदे का इलेक्ट्रोफिसिस होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो उसको पता चलेगा कि हाँ इसको ये तो ये प्रॉब्लम था। फिर अगली जो उससे थोड़ी सी प्रेवलेंस में कम बीमारी है वो है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया एक थोड़ा सा ये भी थैलेसीमिया मेजर की तरह अल्फा ग्लोबिन जीन का डिफेक्ट है। अल्फा ग्लोबिन जीन चार होती हैं, चार जो होती हैं जीन्स वो ट्रांसक्राइब कर रही होती हैं एक वक्त में टू फॉर्म अल्फा चेन। तो उसमें से एक जीन अगर डिलीट हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो जीन डिलीट हो जाएंगी फिर भी कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर तीन डिजीज जीन्स डिलीट हो जाएंगी तो फिर एक थोड़ी सी मॉडरेट टू सीवियर फिनोटाइप आएगी, उसमें उस सूरत में 8-10 के करीब हीमोग्लोबिन रहती है पेशेंट की और उससे पता चलता है। और उस हीमोग्लोबिन को जो कि 3 जीन डिलीशन से बनती है, हीमोग्लोबिन 3 अल्फा जीन डिलीशन से बनती है, उसे हीमोग्लोबिन एच कहते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनली कहा जाता है कि इलेक्ट्रोफिसिस पे दैट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग हीमोग्लोबिन, सबसे आखिर में जाके इसका बैंड बनता है। और थोड़ा सा एच बी ए रेज्ड आएगी और एच बी ए टू रेज आएगी और थोड़ी सी हीमोग्लोबिन एफ बी इसमें आ सकती है। उससे अगली लेस कॉमन डिजीज़ है वो हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ है। इसमें भी ये बड़ी माइल्ड सी डिजीज़ है, इसमें भी वही हेट्रोजाइगस होमोजाइगस पैटर्न है इसका, और ऑटोसोमल रिसेसिव इन सारों के इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं। और हीमोग्लोबिन सी में जो होता है वो बहुत अनकॉमन है, और इसमें यूजुअली होता ये है कि क्रिस्टल्स हीमोग्लोबिन के बन जाते हैं, हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल्स कहते हैं। आप गूगल पे इमेजेस में सर्च करेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएंगे। उसके बाद इक्का दुक्का केसेस हीमोग्लोबिन ई और हीमोग्लोबिन ओ अरब के भी नज़र आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन ई की जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है वो ये है कि इसमें इसका जो डीडी बनता है वो बीटा थैलेसीमिया माइनर के साथ बनता है, और इसकी डीडी में होता ये है कि अगर हीमोग्लोबिन ए टू अगर आपकी 8-7 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट उसके कट ऑफ बनाए हुए हैं उससे ज़्यादा होगा तो आप उसको थैलेसीमिया माइनर से निकाल के थैलेसीमिया मेजर में डाल देंगे, सॉरी उसको हीमोग्लोबिन ई में डाल देंगे, और उससे फिर ऊपर चला जाएगा तो फिर वो होमोजाइगस में भी जा सकता है ये तो। लेकिन इसका जो बेस्ट जो ट्रीट डायग्नोसिस है वो जेनेटिक स्टडी के ऊपर ही है, जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है और आप में उसको उसमें हीमोग्लोबिन ई की म्यूटेशंस आपको मिलेंगी। फिर कुछ डिजीज़ हैं जिसमें जो कि हेट्रोजाइगस हैं यानी कि एक फैमिली थी बीटा थैलेसीमिया मेजर की, एक फैमिली थी सिकल सेल डिजीज़ की, उनके बच्चों की आपस में शादी होगी और उसमें से जो आगे बेबी था उसने एक ने बीटा थैलेसीमिया मेजर की एक जीन ले ली यानी कि वो थैलेसीमिया माइनर की जीन ले ली, और एक ने सिकल सेल की डिजीज़ ले ली जीन ले ली, तो उसको फिर हम एच बी उसको बीटा सिकल थैलेसीमिया कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज़ नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर इसके फिनोटाइप हो सकती है। इसमें पैटर्न जो बनता है ए टू एस और एफ का पैटर्न बनता है। फिर डेल्टा बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा बीटा थैलेसीमिया में डेल्टा चेन जो होती है जो कि हीमोग्लोबिन ए टू को ट्रांसक्राइब करती है बनाती है वो उसका है डिफेक्ट है, तो उसमें आपको ए टू इलेक्ट्रोफ्रीसिस में ए टू एबसेंट मिलेगी, कम मिलेगी या एब्सेंट मिलेगी, और एफ थोड़ी सी ज़्यादा रेज्ड होगी, आई मीन 10-12% 15% 20% तक एफ जा सकती है और बाकी ए वन होगी। और इसी तरह सिकल सेल और हीमोग्लोबिन सी का कॉम्बिनेशन आ सकता है वेरिएंट डिग्री में, वेरिएंट डिग्री में आपको उसके मिलेंगे सी और एस के कॉम्बिनेशन। फिर अल्फा थैलेसीमिया का इनमें से किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है,
सी के साथ बन सकता है, एस के साथ बन सकता है, ये भी हो सकता है कि अल्फा थैलेसीमिया एस और सी के साथ कंबाइन कर जाए, कंपाउंड हेट्रोजाइगस इसको कहते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं ये काफ़ी अनकॉमन है, लेकिन एक भी पेशेंट आ जाए तो ज़ाहिर है कि उसका डायग्नोसिस जो है वो अगर ना बने तो वो पेशेंट के लिए फिर एक लाइफ लॉन्ग मिजरी है, और मैनेजमेंट ज़ाहिर है कि पेशेंट की चेंज हो जाती है सारे के सारे अगर टाइमली डायग्नोसिस बन सके। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। हीमोग्लोबिन सीरीज़ के हमारे वीलॉग्स ख़त्म हो गए हैं, नेक्स्ट हम जो वीलॉग्स करेंगे वो रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स और एंजाइम डिफेक्ट्स के ऊपर होंगे। थैंक यू वेरी मच।